नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2023 यामा R15 M के बारे में। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकआउट और रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि 2023 में यामा R15 M के ऊपर काफ़ी सारा अपडेट आ चुका है। मेन जो अपडेट है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको LED ब्लिंकर देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ इसमें आपको नया कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दी गई है, जो आगे इसको एकदम डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है। तो वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियान ट्री ऑटोमोबाइल यामा कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप बनियान ट्री ऑटोमोबाइल यामा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आने वाला वीडियो में मैं इस बाइक का एक फुल डिटेल वॉकआउट रिव्यू करने वाला हूँ, बाकी इसमें आपको क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिल रहा है, 2023 में इसका कितना ऑन रोड प्राइस है, पहले से प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है और कितना माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कलर स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा। अभी मिलने वाला कलर स्कीम की अगर बात करें तो R15 M में टोटल एक ही कलर स्कीम अभी आपको देखने को मिल रहा है, यही सिल्वर कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऑन रोड प्राइस इसका पहले से बढ़ चुका है, पहले इसका प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 230,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस था, अभी इसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है 232,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल रहा है। बाकी शुरुआत करते हैं बाइक का चाबी से, तो चाबी यहाँ पे आपको नॉर्मल की दी गई यामा के ब्रांडिंग के साथ। इग्निशन को आप यहाँ पे जैसे ही ऑन करते हो फर्स्ट सामने में इसका LED DRL आपको यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिलेगा। और R15 M का जो लुक है तो ऑलरेडी बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है। और यहाँ पे आपको बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर भी देखने को मिलता है, जो बाइक स्टार्ट करने के बाद बेसिकली ऑन होता है। तो एक बार स्टार्ट करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर, हाई बीम एंड लो बीम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो नया अपडेट है वो है आपका यहाँ पे LED ब्लिंकर्स, जो आपको पहले एक्सेसरीज़ के दौरान लगवाना पड़ता था। और एक्सेसरीज़ का जो LED ब्लिंकर्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये जो कंपनी फिटेड जो LED ब्लिंकर्स आ रहा है ये उससे भी मेरे को तो काफ़ी प्रीमियम लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लिंकर्स सामने में नहीं दिखेगा, ब्लिंकर्स जो है साइड में लगा हुआ है, जो देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। R15 M क्विक शिफ्टर का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है, बेसिकली R15 M है तो इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्विक शिफ्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके साथ साथ R15 M का स्टिकरिंग भी आपको सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा। फुल्ली ट्रांसपेरेंट विंडस्क्रीन मिलता है और यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। फुल्ली फोल्डेबल मिरर आपको वाइजर के दौरान यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो पूरा ही मेटालिक कलर स्कीम है, ब्लैक विथ ये जो सिल्वर फिनिश देख पा रहे हो ये पूरा मेटालिक कलर स्कीम है, बेसिकली डुअल टोन कलर फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मडगार्ड की अगर बात करें तो फाइबर का मडगार्ड है, ये भी पूरा आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 37mm अपसाइड डाउनफॉग मिलता है, गोल्डन एनोडाइज्ड KYB का अपसाइड डाउनफॉग यहाँ पे दी गई है। और फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो 282mm का आपको डिस्क मिलता है, वाइब्रे कैलिपर के साथ गोल्डन कलर में आपको यहाँ पे कैलिपर मिलता है, वाइब्रे कैलिपर। डुअल चैनल ABS आपको यहाँ पे एस स्टैंडर्ड मिलेगा, सामने में भी ABS मिलेगा, पीछे में भी आपको ABS मिलेगा। उसके साथ साथ टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 100x80, यहाँ पे थोड़ा धूप पड़ रहा है तो इधर से मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, 100x80 17 का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है MRF नाइलो ग्रिप जैपर के तरफ से। और ये जो रिम देख पा रहे हो ये भी आपको मेटालिक ब्लू कलर में पूरा रिम देखने को मिलता है, बाकी टायर पैटर्न आपको कुछ इस काइंड ऑफ देखने को मिलेगा। 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो आराम से आपको 45+ KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको डेफिनेटली मिल सकता है। यामा का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बेसिकली इसमें आपको मिलता है। R15 M का आपको 3D बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंजन की तरफ आते हैं तो इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-valve SOSC इंजन यहाँ पे दी गई, जो BS6 फेस 2 कंप्लाइंट है, OBD2 इसमें आपको देखने को मिलता है। और पावर फिगर की अगर बात करें तो 18.4 PS की पावर मिलता है और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी है और इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिलता है, तो टो शिफ्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 6-speed गियरबॉक्स है और स्लिप एंड असिस्ट क्लच के वजह से क्लच बहुत ही लाइट क्लच है। उसके साथ साथ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, तो TCS भी मिलता है जिसको आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ साथ क्विक शिफ्टर, तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर का मेकानिज्म दिख रहा होगा, ये आपको R15 M में ही देखने को मिलेगा। और रियर में आपको यहाँ पे मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट का सिस्टम मेरे को बाहर से तो नहीं दिखा, ये सही एडजस्टेबल नहीं है। बाकी इस बाइक में आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम यूज़ करा गया है, जिसके वजह से इस बाइक का जो
बैलेंस है इस बाइक का, जो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। सीट की अगर बात करें तो सीट काइंड ऑफ आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश दी गई है। स्प्लिट सीट सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है R15M का। बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। VBA भी मिलता है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। VBA के कारण इसका जो लो टू मिड रेंज है एंड जो टॉप एंड है इस इंजिन से प्रॉपर मिल जाता है। लिक्विड कूल इंजिन है। तो एक बार मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ इसका रेडिएटर। और इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब आप समझ सकते हो एक फुल फेयर बाइक है वो भी 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आ रहा है। वेट की अगर बात करें तो 141kg इसका वेट है, तो डेफिनेटली लाइट वेट है। उसके साथ साथ इसका अगर सीट हाइट की बात करें तो 815mm इस बाइक का सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5'5" 5'6" से ऊपर है तो इस बाइक को आप डेफिनेटली चला पाएंगे। यामा का स्टिकरिंग या फिर ब्रांडिंग कह लीजिए आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रॉपर आपको एल्युमिनियम स्विंगम देखने को मिलता है। एल्युमिनियम फुटपेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी फुल्ली ओपन चेन है तो चेन को आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा 500 to 600 किलोमीटर के बाद। रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियर में आपको रेडियल टायर मिलता है। तो यहाँ पे आपको MRF रेबजी एस का टायर दी गई है। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 140/70 R17 का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। रियर में आपको 220mm का डिस्क मिलता है विथ निसिन कैलिपर के साथ। और डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता है। तो पीछे में भी आपको यहाँ पे ABS का रिंग दिख रहा होगा। टायर हगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टेल लाइट वो भी एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। LED टेल लाइट मिलता है डेफिनेटली। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे LED ब्लिंकर्स भी दिख रहा होगा। और नंबर प्लेट का जो लाइट है वो आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको इधर 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 टोटल 3 रिफ्लेक्टर आपको पीछे की साइड पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हो। एग्जॉस्ट का नोट मैग पर आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली बहुत ही साइलेंट है, लेकिन जैसे ही आप उसको रेप करते हो तब उसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो निकल के आता है। साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी मिडिल स्टैंड इस बाइक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी आते हैं हैंडल बार की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको फुली क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। ऑल ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे हैंडल बार दी गई। और मेन जो है अट्रैक्शन है वो है इसका ये कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ओके, तो अभी चलिए आते हैं इसका मीटर कंसोल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मीटर कंसोल आप देख पा रहे हो फुल्ली कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और इसमें अभी स्पोर्ट वॉलपेपर लगा हुआ है। आप यहां से चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट को 3 सेकंड आपको प्रेस करके रखना पड़ता है। उसके बाद आपका सेटिंग आता है। यहां पे डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप इसमें वॉलपेपर मल्टीपल वॉलपेपर है, लाइक अभी स्पोर्ट वॉलपेपर है, आप स्मार्ट पे इसको ये सिलेक्ट स्विच से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और बैक आके आपको एक बार दिखा रहा हूँ स्मार्ट कैसा दिखता है स्मार्ट वॉलपेपर। तो देखिए जो स्मार्ट वॉलपेपर है इसका लुक आपको कुछ इस काइंड ऑफ देखने को मिलेगा। आर जो था बीच में जो आर का ब्रांडिंग था वो अभी यहाँ से जा चुका है। और बाकी नॉर्मली क्या क्या मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर। इधर है आपका क्विक शिफ्टर ऑफ है तो क्विक शिफ्टर यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। TCS ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो ये यहाँ पे जल रहा है। इधर है आपका रियल टाइम। इधर है आपका टैकोमीटर, यहाँ पे आपका बाइक का स्पीड। इधर है फ्यूल गेज। इधर VVA जब काम करेगा तो VVA का यहाँ पे इंडिकेशन आपको यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इसमें टोटल आपको 2 मोड मिलता है। बेसिकली आप ट्रैक मोड पे आपको अगर स्विच करना है सिर्फ ये सिलेक्ट बटन एक बार दबाने से ये ट्रैक मोड पे स्विच हो जाता है। ट्रैक मोड पे बेसिकली आपका 6000 RPM से यहाँ पे RPM स्टार्ट होता है। और नॉर्मल मोड पे आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। वैसे और भी आपको फीचर्स मिलता है, लाइक यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिलता है। और इस स्विच से बेसिकली आप इसको चेंज करके देख भी सकते हो Trip 1, Trip 2 और दोबारा ओडो। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलता है कूलेंट टेम्परेचर। और इस ऊपर वाला एरो को आप अगर प्रेस करते हो तो ये चेंज होता है कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप एंड करेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज। सो लॉट्स ऑफ फीचर्स आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। बाकी आपको अगर इसको और भी ध्यान से देखना है तो इसमें आपको डिस्प्ले सेटिंग मिलेगा, लैप टाइम मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग में जाके आप इसका यहाँ पे मैं आ चुका हूँ शिफ्ट इंडिकेटर पे। शिफ्ट इंडिकेटर आपको ये जो ऊपर में जो शिफ्ट इंडिकेटर ब्लिंकर जो दिख रहा होगा ये कितना RPM से जलना स्टार्ट होगा वो भी आप मैनुअली यहाँ से शिफ्ट इंडिकेटर से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखिए IND स्टार्ट आपका 8000 RPM से स्टॉप होगा 10000 RPM तक, तो यहाँ पे वो भी आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ से मैं थोड़ा बैक में आता हूँ और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। सिस्टम सेटिंग में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे क्लॉक मिलेगा, कस्टमर नेम आप
वो भी चेंज कर सकते हो, कस्टमर नंबर, यूनिट ऑल रीसेट भी कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ फीचर्स अभी इसमें आपको देखने को मिलता है। स्पीड किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर पे आप सेट कर सकते हो। माइलेज, टेम्परेचर, तो वो भी आई गेस आप सेंटीग्रेड फारेनहाइट पे, हाँ सेंटीग्रेड फारेनहाइट पे आप चेंज कर सकते हो। सो अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है टोटली कस्टमाइजेबल है, मतलब आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग में जाके और भी ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तीन डे जो है अभी ये 4 पे है, अभी इसको आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो। 6 जो है इसका मैक्स है ये डे के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे भी आप अगर इसको 6 पे ले जाते हो तो अभी आप देख सकते हो ये पहले से भी और भी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और डिस्प्ले कलर वगैरह आप यहाँ पे ब्लैक, ऑल टाइम, ये सब चेंज कर सकते हो। ऑटो पे सेट रहने से बेहतर होता है उसके साथ साथ। और इससे आप बैक वगैरह, आपको बस यहाँ पे अलग से कोई भी बैक स्विच नहीं मिलता है, बैक के लिए आपको बार बार इसको दबा के यहाँ पे बैक पे आना पड़ेगा। और टिल्ट लाइट्स की अगर बात करें तो इसको एक बार ऑफ करके मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का सिग्नल, नीचे आपका कूलेंट टेम्परेचर, ABS का सिग्नल, यहाँ पे आपको ब्लिंकर्स का सिग्नल मिल जाएगा दोनों साइड पे, इधर हाई बीम का सिग्नल और इधर है आपका न्यूट्रल का सिग्नल, उसके नीचे है आपका इंजन माल फंक्शन। सो लॉट्स ऑफ टिल्ट लाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये है आपका हाई शिफ्ट RPM लिमिटर का सिग्नल। और स्विच पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप, इसी में मिल जाता है। इधर है आपका हैजार्ड स्विच, पहले यहाँ पे जो आपका ट्रिपर स्विच मिलता था वो अभी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, वही स्विच आपको अभी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इधर आपको मिलता है इंडिकेटर का स्विच, डुअल हॉर्न है तो बहुत ही लाउड हॉर्न है, और दिस इज द डिपर बटन बाहर की तरफ है इसका हाई बीम। क्लच ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही लाइट क्लच है ड्यू टू स्लिप एंड असिस्ट क्लच। और बाकी एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, वो आप एक्सेसरीज के दौरान लगवा सकते हो। मिरर से भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बाकी आपको ये नया अपडेट कैसा लगा R15M के ऊपर, आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज, टाटा।